वलसाड जिले के धर्मपुर की ये तस्वीर है। आप देख रहे हैं धर्मपुर तहसील के पेंदा गांव की तस्वीर। इनको आने जाने के लिए तैरना आना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक की थैली में इनके कपड़े और उनके सामान को रखकर वो बोझ बनाकर लोग उसको लेकर तैरने निकल पड़ते हैं। वो तैर इसलिए रहे हैं कि उनके पास आने जाने के लिए ना कोई सड़क है ना कोई ब्रिज है। लोग कई दशकों से परेशान हो गए हैं। नार नदी से सटे गांव वालों को कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि अपनी जान को मुसीबत में डालकर लोग तैर कर आने जाने के लिए मजबूर है। इसलिए कब निजात मिलेगा इस समस्या को वो कहना अभी तो उचित नहीं है। कारण इस प्रकार की परेशानी कई दशकों से है, लेकिन जनता आवाज़ आपको हर वक्त कहता है साहब दिखाई देता है लेकिन अंधे हो गए, सुनाई देता है लेकिन बहरे हो गए, बोल सकते हैं लेकिन गूंगे हो गए। तो केवी तकलीफ पड़े, रोज आओ तकलीफ पड़े, रोज आओ तकलीफ पड़े, એટલે કેવી રીતે જાય તમે? જોન પ્લાસ્ટિક પર તરી જાય બાબાજુ આના પર લાકડા પર ને એવા આમાં તો પકડી ને જાય એમ આના પર ઉપર તરી ને જવું પડે દરરોજ ના રોજ ની આવી તકલીફ રે રોજ ની આવી તકલીફ શાકભાજી કઈ રહ્યા જોવે તો આવું બીમાર બીમાર માણસ આમાં જ તરી ને મરી જાય બીમાર વ્યક્તિ ને તમે કેવી રીતે લાવો લાવવાનું હોય તો પર તો આવી તો લાકડા પર જ લાવે ઉપર ઉડાવી ને પછી ધક્કા મારત લાવે એમ બરાબર સામાન ભરીને પેલી બાજુ જયા કરે એમ